नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएस स्कूल यूट्यूब चैनल। मैं हूं का सिंह रावत आपके साथ। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट टू का परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। आपका परीक्षा का समय में परिवर्तन किया गया है। गर्मी के कारण परीक्षा का टाइम में परिवर्तन हुआ है। आपको सबसे पहले एएसआरएस स्कूल यूट्यूब चैनल पर यह न्यूज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद कई सारे चैनल कॉपी करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सबसे फास्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार से जुड़ा जो भी न्यूज़ होता है हम उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में एम करते हैं 1000 लाइक का। तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ, हमें आप सपोर्ट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, मगध यूनिवर्सिटी पार्ट टू का परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए। यहाँ पर जो आपका जो परीक्षा का जो टाइम था उसमें परिवर्तन कर दिया गया। आपको बता दें बिहार के कई जिलों में धारा 144 लगाया गया। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता देना चाहते हैं, बढ़ती गर्मी के कारण शहर में कई लोगों की अचानक से मौत हो रही है। इसको लेकर के यहां पे अब मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। आपका जो परीक्षा का जो पूरा टाइम शेड्यूल है वो परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कुछ लिखा गया, राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार इसका परीक्षा का परिवर्तन किया गया टाइम है। ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आपका जो परीक्षा का जो शेड्यूल था वो आपका था 9 से लेकर के 12 बजे तक। आपको मैंने बताया धारा 144 लगाया गया कई जिलों में, धारा 144 लगाया गया। और ये बताया गया कि सुबह 11 बजे से 4 बजे शाम तक किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है। तो धारा 144 का यहाँ पे मान रखते हुए मगध यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक परिवर्तन किया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टाइम दिख रहा होगा जो पूरा परिवर्तित टाइम है वो है 11 से 1, उसके बाद 4 से 7। यानी कि 11 बजे से 4 बजे के बीच में कोई परीक्षाएँ नहीं होगी, कोई भी कार्य शहरों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लगाया गया। और इसके मद्देनजर रखते हुए मगध यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया। कहीं ना कहीं राज्य में कई जिलों में यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। गया, अरवल, उसके बाद औरंगाबाद और कई जिलों में धारा 144 लगाया गया इसको देखते हुए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं धारा 144 का यहाँ पे पालन किया गया मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा, और जो परीक्षा का जो शेड्यूल था वो यहाँ पे परिवर्तित किया गया। तो सिंपल सी बात है, 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में आपका कोई परीक्षा नहीं होगा। आप कहीं भी कोई स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं ओपन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम आपको नया टाइम बता देते हैं। तो 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको परीक्षा दे देना है। ये आपका है प्रथम पाली का। दूसरी पाली की बात करें तो ये है आपका 4 से लेकर के 7 बजे तक शाम में, क्योंकि मैंने आपको बताया धारा 144 लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो पुराना टाइम था वो था आपका 2 से 5, लेकिन यहाँ पर धारा 144 के अकॉर्डिंग ये आपका 4 बजे से पहले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका पालन करना है मगध यूनिवर्सिटी को, राज्य के सब जिले के हर एक जो भी जहां पे लगाया गया वहां के हर एक व्यक्ति को पालन करना है। तो इसको देखते हुए यहां पे ये नया टाइम जारी किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं आप सिंपली ये माइंड में रख लो कि जो आपका परीक्षा का जो नया टाइम है वो है आपका 8 से 11 मॉर्निंग में, और दूसरा टाइम है 4 से 7। और एक चीज़ माइंड में रख लो, 144 लगाया गया धारा, इसमें आपको 11 बजे से 4 बजे शाम तक कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। तो ये इसके बीच में परीक्षाएं नहीं होगी, इसके लेकर के एक बड़ी अपडेट था। सबसे पहले एएसआरएस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद कई सारे चैनलों पर आपको मिल जाएगा, तो वो सब आपका टाइम वेस्ट रहेगा। आप जहाँ से भी आपको सबसे पहले न्यूज़ मिले वहीं पर आप ट्रस्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हमने आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रियली में तो लाइक करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।